हेलो एस्पिरेंट्स आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमारी प्लेलिस्ट जो चल रही है इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद हमने डिटेल में किया गांधीन इरा के बारे में सो so, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यानी कि आईएनसी की स्थापना कब हुई कैसे हुई और उसके इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हुए सो so, 1857 का रिवोल्ट हो चुका था और उसके बाद कुछ देशवासियों ने यह सोचा कि कैसे हम अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाए और उसके लिए उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस शब्द का मतलब क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस कांग्रेस का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल जो टर्म कांग्रेस थी ये यूएसए से बोरो की गई थी यानी कि यूएसए में कांग्रेस शब्द पहले यूज हुआ था और वहाँ से हमने बोरो किया था और जो कांग्रेस शब्द था वो दादा भाई नारोजी ने दिया था अब बात करते हैं कि अगर कांग्रेस शब्द नारोजी ने दिया था तो इससे पहले आईएनसी का नाम क्या था सो so, आई का नाम था आईएनए, एन दैट इज इंडियन नेशनल यूनिटी सो दादा भाई नारोजी ने तब बोला कि यूनिटी शब्द को हटाकर हम कांग्रेस रखेंगे यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका मतलब होगा ग्रुप ऑफ पीपल वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आई सबसे पहले तो आई की स्थापना जो थी वो हुई थी 1885 में अब ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स है सबसे पहला है टू प्रमोट द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस यानी कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को प्रमोट किया था जनता के सामने और उनको एक नेशनल आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने समझाना चाहा कि आप इंडियंस हो आप यूनिक हो आपका देश अलग है और इसके साथ साथ टू प्रमोट नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दिया यानी कि देशवासियों को देश के प्रति एकता के लिए उत्साहित किया दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म विच विल अलाउ पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू एजुकेट एंड मोबिलाइज मासिस अंडर अ कॉमन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया जो कि अलाव करेगा पॉलिटिकल वर्कर्स को पूरी कंट्री में से एजुकेट करने के लिए और ऑल इंडिया पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट पोलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड पोलिटिकल अवेकनिंग एमंग द एजुकेटेड सिटीजन एंड देन ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि जितने भी देशवासी एजुकेटेड थे उनके उनके लिए उनको पोलिटिकल कॉन्शियसनेस उनमें बढ़ाने के लिए और पोलिटिकल अवेकनिंग करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव था आई का fourth one, to promote other things in the country like political liberal democracy, democratic culture, anti-colonial ideology among the people. political liberal democracy. Lane ke liye, INC ki hui thi. so next is establishment. इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई आई एन सी वॉज ऑन ट्वेंटी एट दिसंबर एटीन 28 फाइव अट्ठाईस दिसंबर एटीन फाइव को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे सबसे इंपॉर्टेंट कि आई एन सी की स्थापना कहाँ पे हुई आई एन सी की स्थापना हुई थी अट्ठाईस दिसंबर अठारह सौ पचासी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इनके फाउंडर थे आईएनसी के ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम जो थे वो चेयरमैन थे आईएनसी के फाउंडर थे ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ओके सो ये जो थे वो रिटायर्ड सर्वेंट थे सिविल सर्वेंट थे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी बेनर्जी बनर्जी बेनर्जी वोमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट मीटिंग में सेवेंटी टू मेम्बर्स थे आईएनसी की लॉर्ड डफरिन जो थे तब वॉइस रॉय थे इंडिया के सो so, ये क्वेश्चन आता है कि जब आईएनसी की स्थापना हुई तब वॉइस रॉय कौन था सो लॉर्ड डफरिन था द अर्ली लीडरशिप सबसे पहले इसमें लीडर्स कौन कौन थे सो so, ये कुछ नाम हैं दादा भाई नारोजी फिरोज शाह मेहता बद्रुद्दीन तैयब जी डब्ल्यू सी बेनर्जी सुंदर नाथ बेनर्जी चंद्र दत्त एस सुब्रमण्यन एगेर एमंग अदर्स वॉज लार्जरी फॉर्म बॉम्बे एंड कलकत्ता बहुत सारे गिनती में लोग जो थे वो बॉम्बे से थे और कलकत्ता से बिलोंग करते थे फॉर्मेशन वॉज एन एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए आई एन सी की स्थापना हुई थी ये एक एफर्ट था इन एन एफर्ट टू रीच ऑल रीजन्स इट वॉज डिसाइडेड टू रोटेट द कांग्रेस सेशंस एमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आई एन सी का जो प्रचार था वो अलग अलग रीजन्स में फैले इसके कारण वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में इसके सेशंस को कंडक्ट कर रहे थे द प्रेजिडेंट बिलोंग टू अ रीजन अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज बींग हेल्ड इंपॉर्टेंट सेशंस की बात कर लेते हैं जो आईएनसी के इम्पॉर्टेंट सेशंस थे पहले छह करेंगे हम रेगुलर में और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट सेशन जो था वो हुआ था बॉम्बे में जो हुआ था दिसंबर 28 को स्थापना हुई थी ओके okay? एंड दिसंबर 28 से लेकर दिसंबर 30 तक 1885 में ये एक सेशन हुआ था जो कि बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी उसके बाद जो सेकेंड सेशन था वो कैलकटा में हुआ था दिसंबर 27 से 30 तक अगले साल 1886 में और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नरूजी उसके बाद जो थर्ड सेशन था वो मद्रास में हुआ था दिसंबर ट्वेंटी सेवन से लेकर दिसंबर थर्टी तक एटीन एटी सेवन में और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के सो so, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ़र्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कब कौन थे बद्रुद्दीन तैयब जी कौन से सेशन में थे थर्ड सेशन में और ये थर्ड सेशन हुआ कहाँ पे था मद्रास में हुआ था फोर्थ सेशन की बात करते हैं फोर्थ सेशन हुआ था अलाहाबाद में दिसंबर 26 से लेकर 29 तक 1888 में और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल और ये जो थे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आई के फिफ्थ सेशन जो था वो दोबारा से बॉम्बे में हुआ था और ये हुआ था दिसंबर ट्वेंटी से लेकर दिसंबर ट्वेंटी तक एटीन में सर विलियम वेडर बवन थे और ये फिफ्थ सेशन था जिसमें पहली बार कुछ वूमेंस ने पार्टिसिपेट किया था बॉम्बे में आईएनसी के सेशन में सिक्स्थ सेशन जो था वो हुआ था कैलकटा में और इसमें ये पहला ऐसा सेशन था जहाँ पे एक लेडी ने जाके स्पीच दी थी दिसंबर 26 से लेकर दिसंबर 30 तक हुआ था 1890 में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिरोज शाह मेहता नेक्स्ट अब हम लाइन वाइज नहीं करेंगे अब हम करेंगे जो इम्पॉर्टेंट सेशंस थे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स के रिगार्डिंग 1905 में एक सेशन हुआ था जो हुआ था बनारस में इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुई थी शुरुआत हुई थी स्वदेशी मूवमेंट की अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट सो so, ये स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी 1905 ये हमने पढ़ा था गांधीयन इरा में सो so, ये हुई थी और तब प्रेसिडेंट थे आईएनसी के गोपाल कृष्ण गोखले 1906 की बात करें तो वो कैलकाटा में हुआ था प्रेसिडेंट थे दादा भाई नरोजी एडॉप्टेड फोर रेजोल्यूशंस चार रेजोल्यूशंस इन्होंने तब एडॉप्ट किए थे पहला था स्वराज जिसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि हमें स्वराज चाहिए बाइकॉट मूवमेंट थी बाइकॉट मूवमेंट थी जिसमें बाइकआउट करना था आ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ों का स्वदेशी में स्वदेशी में अपने वाली चीज़ें अपनानी थी अपनी जो भी प्रोडक्ट्स थे इंडियंस उनको अपनाना था और इंग्लिश प्रोडक्ट्स को मना करना था और एंड नेशनल एजुकेशन यानी कि एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बढ़ावा दिया था ये चार जो रेजोल्यूशंस थे तब इन्होंने अपनाए थे 1907 की बात करें तो ये सूरत में हुआ था प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष और तब कांग्रेस जो थी तब दो दलों में स्प्लिट हो गई थी बंट गई थी पहला था मॉडरेट और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट का मतलब था नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब था गरम दल नरम और गरम दो दल बन गए थे 1909 में लाहौर में हुई थी और इसमें जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे वो थे मदन मोहन मालविया याद रखना है प्रेसिडेंट मदन मोहन मालविया और ये तब हुई थी जब मिंटो मॉरले रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1909 में अब 1911 की बात करते हैं 1911 के सेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था प्रेजिडेंट बी धर फर्स्ट टाइम रेसिटल ऑफ जनगण मन इन कांग्रेस सेशन सबसे पहले कांग्रेस सेशन में जब जनगण मन को गाया गया तब था 1911 में कैलकटा में 1916 सौ की बात करें लखनऊ में ये सेशन था प्रेसिडेंट थे ए सी यूनिटी बिटवीन टू फैक्शन मोटरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस जो पहले गर्म दल और नरम दल बंट गया था वो अब जुड़ गए थे 1916 में लखनऊ में ठीक है कैलकटा में स्प्लिट uh, हुआ था और लखनऊ में आके इनका दोबारा जुड़ गया लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस जो एक लखनऊ पैक्ट था उसको साइन किया गया था किस किस के बीच में था ये पैक्ट कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में ठीक है उन्नीस में कैलकाता में हुआ प्रेजिडेंट थे एनी बेसेंट एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट इरिश प्रेजिडेंट बनी थी लेडी ठीक है फर्स्ट लेडी थी आईएनसी की लेडी तो थी बट वो इंडियन नहीं थी इरिश वूमेन थी ठीक है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1919 की बात आ, बात करें तो वो अमृतसर में हुआ था प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट इन्होंने सपोर्ट की थी खिलाफत मूवमेंट में 1919 में 1922 में गया में हुई थी प्रेसिडेंट थे सी आर दास सी आर दास ने तब कुछ और लीडर्स के साथ मिलकर पार्टी से ब्रेक ले लिया था आईएनसी से और अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा था स्वराज पार्टी सो so, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ब्रेक ले लिया था आईएनसी से अपना प्रेसिडेंट का पद छोड़कर कुछ अदर लीडर्स के साथ और अपनी एक अलग से पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा था स्वराज पार्टी सो so, नेक्स्ट है 1923 का दिल्ली में स्पेशल सेशन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद जो अबुल कलाम आज़ाद थे ना वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1924 की बात करें 1924 में बेलगाम में हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेलगाम में हुआ था ये एक एकलौता ऐसा सेशन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे गांधी सो so, ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसमें सिर्फ एक बार एम के गांधी जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं उसके बाद 1925 में कानपुर में हुआ था प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी प्रेसिडेंट इसमें पहले रही थी इरिश वूमेन थी एनी बेसेंट पर अब जो है इंडियन वुमेन जो पहली थी वो थी सरोजनी नायडू और सन था 1925 और हुई थी कानपुर में उन्नीस की बात करें लाहौर में हुआ था प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू पास्ट रेजोल्यूशन ऑन पूरन स्वराज पूरन स्वराज का जो बिल था रेजोल्यूशन था वो इन्होंने पास किया था सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट जो जो थी वो लॉन्च की थी 26 जनवरी को तब इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे की तरह उसे सो so ये भी क्वेश्चन आता है कि उन्नीस में लाहौर में इन्होंने छब्बीस जनवरी को एज ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे के तौर पर ठीक है अब ये जो सारी मैं सेशंस बता रही हूँ ये किसी ना किसी मूवमेंट्स के साथ बिलोंग करते हैं रिगार्ड रिगार्डिंग उसके हैं सो so, इनके प्रेसिडेंट इनके सन इनकी जो प्लेस है सेशंस की वो याद कर रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट है 1931 का कराची का सेशन जिसमें प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम इन्होंने फंडामेंटल राइट right का रेजोल्यूशन लिया था और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का भी लिया था इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट जो था उसकी इंडोर्समेंट हुई थी गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंडन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी लंडन में तब गांधी को चुना चुना गया था एज अ रिप्रेजेंटर ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करना था इन्होंने जाके लंदन में सो so, 1938 का जो सेशन था वो था हरिपुर में प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू की अंडर रहकर नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी नाइनटीन में त्रिपुरी का सेशन था प्रेजिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पहले बने थे 1939 में त्रिपुरी में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट किया गया था पर उनको किसी कारणवश रिजाइन दे दे, दे दे देना पड़ा था सो राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस राजेंद्र प्रसाद उनकी जगह पे अपॉइंट किए गए थे सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी पार्टी अलग से बना ली थी बना ली थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक नेक्स्ट है 1940 का रामगढ़ रामगढ़ जिले जी, में ये जो स्पेशल सेशन हुआ था प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद जो यंगेस्ट रहे हैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड सरकम सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दी गई थी अप्रोप्रिएट टाइम पे और सरकम को देखते हुए नाइनटीन का जो सेशन था वो मीरठ में था प्रेजिडेंट थे जे बी कृपलानी जे बी कृपलानी जो थे उनका बहुत अहम रोल रहा है आज़ादी की लड़ाई में लास्ट लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस जो लास्ट सेशन हुआ था इंडिपेंडेंस के पहले आईएनसी का वो था मीरठ में और इसके प्रेसिडेंट थे जे.बी. कृपलानी और जे.बी. कृपलानी वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के वक्त भी जे कृपलानी जो थे वो प्रेजिडेंट थे आई के थैंक यू सो मच एवरी आई होप सबको सब कुछ समझ आया होगा कैसे आईएनसी की फॉर्मेशन हुई कब हुई कौन सा प्रेसिडेंट था कितने सेशंस हुए कौन कौन से सेशंस हुए वो इम्पॉर्टेंट क्यों थे कौन सी मूवमेंट्स तब चल रही थी इन सब के बारे में हमने इस लेक्चर में डिटेल में किया है सो so, अगर आपको ये वीडियो सच्ची में अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में